यहाँ पे दिखा दिया, ये देखें कितने अच्छे और क्रंची, ये देखें कितने अच्छे और खस्ता और क्रंची ये समोसे बने। Assalamualaikum, my YouTube family, welcome to Masara Kitchen, मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से कीमे वाले समोसों की रेसिपी। इसकी डो भी हम घर में बनाएंगे और कीमे वाले समोसे भी हम घर में बनाएंगे, और वो किस तरीके से बनाएंगे तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि अभी रमज़ानों में जो है बहुत कम दिन रह गए हैं और आप लोग जो है बना बना के चीज़ें जो है फ्रोज़न कर रहे हैं, तो ये वाले समोसे भी बना के ना मैं फ्रोज़न कर रही हूँ। तो देखिएगा अभी कितने सारे समोसे बना के मैं इसको फ्रोज़न कर देती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी डो रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्याली मैदा ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे छान लिया है। इसमें जाएगा यहाँ पे आधी चाय का चम्मच, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अजवाइन। आधी चाय का चम्मच इसमें हो गई है अजवाइन ऐड, और आधी ही चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, क्योंकि जो हमारी स्टफिंग होगी ना उसमें भी अच्छा खासा नमक होगा, तो इसलिए इसमें आधी चाय का चम्मच ही हम ऐड करेंगे नमक। चलिए जी, ये जो है दोनों चीज़ें जो इसमें अच्छे से ऐड हो गई, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट को ना अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे बारी आती है घी ऐड करने की, तो ये देख लें मैंने घी ली हुई है, और मैं जो हूँ अभी एक खाने का चम्मच भर के, और दो खाने का चम्मच जो है मैं इसमें घी जो है मैंने भर भर के ऐड किया है। और अब कौन सा स्टेप है और किस स्टेप पे हमें पता चलेगा घी इनफ है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी हर वीडियोस में मैं ये वाला स्टेप ना ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी मैंने समोसे घर में बनाए हैं तो मैं आज फिर आपको दिखा दूँ। मैंने इसमें दो खाने का चम्मच घी आपके सामने ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स किया। अब क्या तरीका है कि समोसे खस्ता होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो भाई समोसे खाने हैं ना, हमें मटरी खानी है और ना ही हमें नमक पारे खाने हैं, हमें तो समोसे ही खाने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दे रख लिया। अब मैंने हाथ में लेके ना इसको ना देखें प्रेस किया, टाइट हैंड से प्रेस किया, ये देखें लड्डू बन गया, ये देखें बस यही होना चाहिए। अभी देखें ये टूटा है, फिर एक और ट्राई करके दिखा देती हूँ। जब इस कंडीशन में आटा आ जाए तो मतलब कि हमारे समोसों के लिए डो परफेक्ट है, अगर परफेक्ट नहीं होगी तो ये टूट जाएगा, ये बनेगा ही नहीं। सही है, यही तरीका है इसका। सादा मैंने यहाँ पे पानी ले लिया, ये सादा पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बनाऊंगी, क्योंकि पानी की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए समोसों की डो में। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और मैं यहाँ पे परफेक्ट सी डो बनाऊंगी। टाइम लगता है थोड़े थोड़े पानी लेके बस बनाना है आपको डो। यहाँ पे मैंने समोसे के लिए एक परफेक्ट सी जो है ना डो रेडी कर लिया, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये इस तरीके की है। अभी मैं इसको सिर्फ 20 मिनट्स का जो है ना बस यहाँ पे रेस्ट दूंगी। अभी जो है पैन में मैं ऐड करूँगी इसमें कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल में बस इसमें बहुत थोड़ा सा, बस 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल गर्म हो चुका है, एक बड़ी प्याज इसको मैंने चॉप कर दिया, ये ऐड कर दूँगी। ऑनियन जो है जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं ना, सेम वही वाली मतलब के कटिंग करनी है। ऐड करने के बाद बस इसको लाइट सा पिंक करना है, और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे 10 जवे जो है वो ले लिए थे लहसुन के, तो इसको जो है मैं इसमें ना ऐड कर देती हूँ। तो इसमें लहसुन ऐड हो गया, ये भी चॉप कट है, और इन दोनों को ना बस सिर्फ सौते सा हल्का सा मैं बस करूँगी कि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए प्याज और लहसुन ना दोनों ना सौते हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ना मैंने यहाँ पे 1/2 किलो जो है वो ले लिया है कीमा, और मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। अगर आप चाहें तो आप मटन के कीमे पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है। और इसको जो इसमें ऐड करके ना अभी बस कीमे को मैं वाइट होने तक इसको यहाँ पर कुक करूँगी अच्छे से, कि इसका पानी भी जो गोश्त का है ना वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 3 हरी मिर्चें जिसको ना मैंने बारीक बारीक से कट कर लिए हैं। ये बारीक वाली हरी मिर्ची आजकल आई हुई है मार्केट में, तो ये ना बड़ा ही अच्छा फ्लेवर दे रही होती है, मैंने वही ऐड किया। 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, मैंने जल्दी से डाल दिया, पता नहीं दिखाई कैमरे में कि नहीं दिखाई। 1 खाने का चम्मच साबित धनिया चॉप्ड, ये ऐड किया। अब इसमें जो पाउडर मसाले में ऐड होगा ना, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मार्केट के भी जो कीमे वाले समोसे होते हैं ना, उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड होता है कीमे वाले समोसों में। और यहाँ पे 1/2 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके साथ और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ये बस 1/2 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया, 1/2 चाय का चम्मच। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया, बस नमक जो है 1/2 चाय इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर दे रही हूँ, 1/2 नमक जो है ऐड करना है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, इससे फ्लेवर कोई इतना ज़बरदस्त आएगा ना कि बस आपने एक बार ये रेसिपी बनानी है ना, तो फिर आप देखिए कितनी मज़ेदार और टेस्टी हमारी ये स्टफिंग जो है कीमे की रेडी होती है। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ना मेक श्योर कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। फ्लेम को जो है स्लो टू मीडियम पर रखना है, और बस ये खड़े खड़े इसको कुक करना है।
यहाँ पे देखिए स्टफिंग जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्टली जो है वो कुक हो चुकी है। ये देख लें कहीं पे पानी नहीं है, ये देख लें कहीं पे पानी नहीं है। बस हमें इतनी ही ड्राई स्टफिंग जो है रखनी है तो समोसे बहुत मज़ेदार बनेंगे। अभी जो है मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ और इसको होने देती हूँ ठंडा। 20 मिनट्स हो चुके हैं। दो देखिए मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने किचन के एरिया में रहने दिया था कवर करके। अब मैं एक चपाती के जितना बड़ा देखें इस तरीके से लूँगी और इसको जो है ना मैं यहाँ पर रोल आउट। यहाँ पे देखें मैंने इसको रोल आउट कर लिया है और ये देखें इतनी थिन मैंने रखी है, बिल्कुल पतली सी रखी है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास ये बाउल है इतना बड़ा, तो मैं इसके शेप से इसको कट कर रही हूँ और बाकी का जो है उसी में रख लेते हैं। अभी हमारे पास ये समोसे की जो है ना शीट आ गई है, इसको मैदा लगा के अभी मैं इसको थोड़ा सा और ना मतलब यहाँ पर थिन करूँगी और मुझे इसको राउंड में ही करना है। कटर आ गया है तो अभी जो है मैं समोसे जो है आज आपको कटर में बना के दिखाती हूँ, जो कि बड़े इजी प्रोसेस से हो जाता है कि आसान तरीके से मतलब बन जाता है समोसा इससे। तो यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी बड़ी ली हुई है, आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी ले लें, लेकिन इस वक्त जो है ना मैंने बड़ी लिया है, बड़ा थोड़ा लिया है। ये देखें अच्छा जी मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये इतना सरफेस जो है कॉर्नर्स होने चाहिए, इतनी तो आपने रोटी बेलनी है, छोटी नहीं बेलनी है कि इससे छोटी हो जाए। हो गया, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो मैं कीमे की स्टफिंग बना के रखी हुई है ना, इसको मैं किसी भी ये वाले में चले कर देते हैं, इसको जो है अच्छे से भर देती हूँ। और जाहिर बात है ये समोसे जो है ना बड़े भरे भरे से अच्छे लगते हैं, तो अच्छा खासा जो है आप भरते हैं इसमें समोसे में। ये मैंने इसको मैंने फिलअप कर दिया है, देखिए इस तरीके से कर दिया है। और अब बस कुछ भी नहीं करना है हमें, और इसको जो है ये वाले हिस्से को कटर को बंद कर दें और अब इसको प्रेस डाउन कर देंगे तो हमारे पास अच्छे से शेप के जो है वो हमारे प्यारे प्यारे से समोसे आ जाएंगे। ये जो एरिया इसको इस तरीके से देखें, ये देखें कितने अच्छे से मैंने निकाल लिया, ये देखें निकाल लिया सारा। और अब जो इसको खोलते ये देखें कितने प्यारे से खूबसूरत से शेप के हमारे पास यहाँ पे कीमे के समोसे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक समोसा जो है ना वो फ्राई करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का बना है, बाकी को मैं फ्रोजन करके भी आपको देखें कितने परफेक्टली जो है समोसे फ्राई हो चुके हैं और वो इतने क्रिस्पी हैं, यम्मी। ये देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची से समोसे फ्राई हो गए हैं, इसको निकालते हैं और बाकी का कैसे फ्रोजन में करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये सारे समोसे जो हैं बन चुके हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये देखें कितने अच्छे और क्रंची, ये देखें कितने अच्छे और ख़ास तौर क्रंची ये समोसे बने। अभी इसको फ्रोजन करने के लिए ना यहाँ पे बॉक्सेस में मैं इस तरीके से इसको रखती जाऊँगी, इसको हम एक महीना भी जो है ना वो आराम से फ्रीजर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। रखती गई मैं इसे और ये प्लास्टिक जो है पॉली इसको बस इस तरीके से लगाती जाऊँगी और बस इसको जो है सिंपल इसी तरीके से इसको फ्रोजन कर देना। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।